हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सैम्पल पेपर जो CBSE जारी किया है क्लास 10 का मैथ्स का, उसका कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा एक 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 से लेकर 20 तक में MCQ है, उसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देखें, 21 नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें क्या है ज़रा समझिए। यह हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़रा समझने का कोशिश करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है इफ 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 है। मतलब इस क्वेश्चन में है 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 दिया हुआ, और फिर है 51x प्लस 49y इक्वल टू 501 दिया हुआ, और हम लोग को बोला है कि इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, 51x प्लस 49y इक्वल टू 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये और ये देखिए बराबर बराबर आपको दिख रहा होगा, ये और ये बराबर। जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दिखेगा तो एक बार इसको ऐड करते हैं और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। देखिए क्या 49x प्लस 51y प्लस 51x प्लस 49y, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से। इधर से 499 है प्लस 501 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 49x प्लस 51x, ये हमारा 100x हो जाएगा, प्लस 51y प्लस 49y, ये भी 100y हो जाएगा, और इधर से हमारा हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 499 पर 501 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 1000 हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस y निकालेंगे तो 1000 2200 हो जाएगा, कट जाएगा 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसका इक्वेशन हम लोग क्या ले लेंगे, थर्ड ले लेंगे। उम्मीद करते यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। तो देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन टू को क्या लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। तो देखिए इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले इक्वेशन वन लिखेंगे 49x प्लस 51y है, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51x माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 49y, और इधर हम लोग के पास है 499 माइनस 501 है। ठीक, अब क्या होगा, 49x में 51x को माइनस करेंगे तो माइनस आपका 2x हो जाएगा, और 51y में 49y को घटाएंगे तो ये 2y होगा प्लस में, और इधर हमारा 499 में 501 घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का x हो जाएगा, और यहाँ माइनस होगा तब ये माइनस माइनस मिलके प्लस 2y, और यहाँ पे y लेंगे तब ये हमारा माइनस 2 होगा। देखिए अब इसको इंटू करके देखिए, माइनस 2 को x से इंटू कीजिएगा माइनस 2x होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 को y से 2y, इधर माइनस 2 हो गया। ठीक, अब देखिए ये x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, और ये इधर जाएगा डिवाइड में तो माइनस 2 कट के 1 आ जाएगा, तो x माइनस y इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 4 आ गया। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन जो 4 बना, इसको सॉल्व कर देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। सिंपली क्या क्या कीजिए, ये थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दीजिए। क्या होगा ऐड करने से, देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा और यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर। ठीक है, तो देखिए थर्ड में क्या था, थर्ड में था एक्स प्लस वाई था, थर्ड में एक्स प्लस वाई, और इधर था प्लस एक्स माइनस वाई लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 10 था और इधर 1 था, तो 10 प्लस 1, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग का 11/2 आ गया। ठीक, अब इसका x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन वन में, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। देखिए इक्वेशन थर्ड क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x के जगह पे हम लोग 11/2 रखेंगे, प्लस y इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो यहाँ से y निकाल लेंगे, तो ये हो गया 10, इधर से माइनस 11/2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 2, तो 20 माइनस 11 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 20 में 11 माइनस हो जाएगा, तो 9/2, मतलब x का वैल्यू हम लोग का 11/2 हो गया और y का वैल्यू 9/2 हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन को प्रेस कर देंगे। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका सैम्पल पेपर जो CBSE जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग में, ये देखिए ये भी क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग में, जो अभी हम लोग देखे 21 नंबर जो क्वेश्चन था उसी के बेस, उसी जैसा ये क्वेश्चन है। ये हमारा 2011 में क्वेश्चन आया था, तो आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस कर ही लेना है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, देखिए क्या सो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 है, और यहाँ पे 101x प्लस 99y इक्वल टू 501 है। इसको देखिए एक जैसे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेम सेम है, ये सेम सेम है। हमने इसे पहले भी बताया कि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये सेम सेम, ये सेम सेम, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको ऐड करते हैं फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा 99x प्लस 101y प्लस 101x प्लस 99y इक्वल टू, इधर से लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट वाला को राइट से, 499 प्लस 501 हो गया। ठीक, अब ये कितना होगा, 99 और 101 तो 200x हो जाएगा, प्लस 101y और 99y तो ये भी 200y हो जाएगा, और इधर से हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000, 499 और 501 को जोड़ेंगे तो 1000 होगा, यहाँ से 200 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1000, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1000/200, काट देंगे ये 5 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, यह हमारा इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। अब टू को वन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टू क्या है, टू हमारा है 99x, टू को नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, टू को वन से सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले वन लिखेंगे 99x प्लस 101y माइनस 101x माइनस 99y, और इधर से हमारा है 499 माइनस 501 हो गया। ठीक,
अब देखिए क्या करेंगे, 99x सर यहाँ पे 101 है, 99 में 101 घटाएंगे तो -2x होगा, और 101y में 99y घटाएंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, और इधर 499 में 501 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2/-2 कट के 1 आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई, तो ये दोनों सेम सेम है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, वाई वाई तो ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वाई वाई कट जाएगा और यहाँ से हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। थर्ड में क्या है देखिए, एक्स प्लस वाई और इधर से थर्ड में, और फोर में एक्स माइनस वाई दोनों को ऐड कर रहे हैं, और इधर हमारा है 5 और उधर 1, तो 5+1, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू होगा 6/2, कट कर देंगे 3, तो x इक्वल टू हमारा 3 आ गया। ठीक, अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में रख दे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो वहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, देखिए क्या है इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x के जगह पे 3 रख देंगे, प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5-3, तो y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे, और साथ ही साथ जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।